हाँ ये 80% हो गया। ये आपने कैसे बताया कि हम क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करके हमने कैलकुलेट कर लिया कि हाँ ये 80% हमारा हो गया। तो आप क्या कर रहे हो, आप 80% कैलकुलेट कर रहे हो 40 का, ठीक है, 40 का 80%। तो 80% ऑफ 40 ये क्या हो जाएगा, 0.8 समझ गए ना भाई, 80/100 और ऑफ का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन 40। और अब आप क्या करो, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 40, ये हो गया आपका 32 हो गया, ठीक। तो ये क्या निकला, 80% ऑफ 40। अब हम एक काम करते हैं कि कोई एक बच्चा है उसके 40 में से 32 आ जाते हैं नंबर, तो हमने ये कहा कि टर्म वन और टर्म टू, ठीक है। अब टर्म वन का जो परसेंटेज है, मान लीजिए ऐसा कर लेते हैं, मान लो कि टर्म वन का वेटेज बहुत कम कर दिया जाता है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे, हाँ मैं आ रहा हूँ, अनफेयर मीन्स, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल से ये खबर आई कि भाई वहाँ पर चीटिंग हुई है। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो पहले कहीं एग्जिस्ट नहीं करते थे, आज वो शिखर पर हैं रिजल्ट अगर देखा जाए तो। अच्छा। और बहुत सारे स्कूल्स ऐसे थे जो बहुत अच्छा परफॉर्म किया करते थे, लेकिन अब वो टर्म वन के रिजल्ट के बाद बहुत नीचे आ गए। तो ये सारी चीज़ें बहुत पहुंच रही हैं ऊपर तक। दूसरा एक ये चीज़ भी आ रही है कि भाई टर्म वन जो है, टर्म वन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, तो मल्टीपल, ये मैं फर्जी नहीं बता रहा हूँ, ये मैं जो मैंने सुनी है, नहीं फैक्ट्स भी नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने जो सुना है ना वो बता रहा हूँ, ना सुना है थोड़ा रेप्यूटेड सोर्सेज से, ठीक। तो आप ये देख लीजिए कि जो एक चीज़ जो आती है बार बार दिमाग में, वो ये है कि एमसीक्यू बेस्ड था। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमको जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेकर और अगस्त 2021 तक वो हमको ये सिखाता है कि आपको सब्जेक्टिवली पेपर को सॉल्व करना है पूरा स्टेप बाई स्टेप। फिर अचानक से ये पता चलता है कि नहीं भाई, आपको जो है शॉर्टकट मेथड्स भी आप जो है अपना सकते हो। मैक्सिमम मिनिमम में जो इतना लंबा प्रोसेस होता था वो कुछ नहीं करना है आपको, बस फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, जीरो के बराबर रखना है और निकाल लेना है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो वो सारी चीज़ें हमने देखा और उसमें ये हुआ कि भाई हमको जो एमसीक्यू था, एमसीक्यू के लिए हमको कुछ महीने मिले थे और एमसीक्यू में अगर अच्छा कर दिया, मतलब आंसर अगर ठीक है तो नंबर है, आंसर गलत है तो नंबर नहीं है। वहीं पर अगर कोई बच्चा चीटिंग करके कर रहा है तो उसको बहुत एडवांटेज मिल रही है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर ये कहा जा रहा है कि वही टर्म वन की वेटेज शायद कम हो सकती है। अब मैं ये मान लेता हूँ कि टर्म वन की वेटेज 20% है और टर्म टू की मान लो 80% है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव वाला है। तो 20% है, मान लीजिए आपके 80 में से 40 में से 32 मार्क्स आए, ठीक है, तो 20% 32 का 32 मार्क्स आए आपके, यहाँ पर भी 32 नंबर आए आपके और टर्म टू में भी 32 नंबर आए। अब आपने क्या करा कि इसका 20% ले लिया 32 का, तो 20% का मतलब क्या हो गया, 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 32 कितना बैठ रहा है, और इधर देख लीजिए 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 32, ये बताओ 8 to the 16, 25, 26, ठीक है, टोटल बताओ 32 आ गया, 25.6 और 0.4 कितना हो गया 27। एक मिनट, गलती कर रहा हूँ मैं कुछ, नहीं नहीं सही है सर, सही सर, इसका ये टर्म में 16% होना चाहिए, मतलब 16 मार्क्स मिलेंगे सर, ठीक है, इसके बाद वो भी तो ऐड होगा प्रैक्टिकल। एक मिनट रुकिए, 32 नहीं बैठ रहा ना टोटल, 8 to the 16, 1 carry 8 to the 24, 25.6, ठीक है सर, हाँ, और 2 to the 4, 2 to the 6.4, तो 25.6 और 4, 26 और 6, 30, हाँ ठीक है। अच्छा, ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा 32 नंबर हमारे यहाँ पर आए थे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस जो थे, ये मैं बहुत अच्छे बच्चे की बता रहा हूँ जो 38 एक्सपेक्ट कर रहा था, ये मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो अगर इसी पेपर को सब्जेक्टिवली देता, सब्जेक्टिवली अगर अटेम्प्ट करता तो स्टक मार्किंग के फॉर्मूला लिखने के उसको नंबर मिलते हैं, ठीक है। वो उसी तरीके से अब सब्जेक्टिव वाला पेपर करके आता है और सब्जेक्टिव वाले पेपर में उसके 32 तो नहीं आएंगे, 32 से ज़्यादा आएंगे, ये श्योर है, ठीक। क्यों, क्योंकि अब जो सिलेबस है टर्म टू का वो उतना टफ नहीं है जितना टर्म वन का था, है पता नहीं यार,
मेरे को तो आसान ही लग रहा है। ठीक है जी, क्या चाहिए30% 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 32 9.6 हो गया, 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 32 7 2 14 मल्टीप्लाइड 7 3 जा ये भी कितना हो गया, ये भी 32 हो गया। ठीक है, तो हमारी जो परसेंटेज है, हमारी परसेंटेज ऐसा नहीं है कि टर्म 1 में अगर नंबर खराब रह गए, टर्म 2 में अगर आप उतना भी स्कोर कर रहे हैं तो भी परसेंटेज मेंटेन्ड है, तो भी परसेंटेज मेंटेन्ड है। और आप ये देखो कि अभी एक चीज़ और देखेंगे, खैर पहले मैं और आगे बढ़ता हूँ। अब आप आ जाओ 40% और 60%, तो 40% क्या हो गया, 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 32, तो 4 2 8 4 3 12.8। और इधर आ जाओ तो ये हो गया 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 32, तो 6 2 12 और 6 3 18 और 1 19.2 20 20 12 32 ये हो गया। ठीक है, अब इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि भाई हमने अलग अलग परसेंटेज का रेशो सेट कर दिया। 20-80 जो मुझे लगता है, मैं अपना बता देता हूँ, 20-80 मुझे ऐसा लगता है कि 20-80 बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा कि टर्म वन को आपने बहुत कम कर दिया और टर्म टू को बहुत बढ़ा दिया, 40-60 50-50 के बहुत नज़दीक हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी जो पढ़ते हैं, तो प्रोबेबिलिटी से मुझे सबसे ज़्यादा बारिश होने की संभावना यहाँ लग रही है। ठीक है, तो 30% और 70% वाली इस पर सब मेरे को लगता है कि सबको कम्फर्टेबल रहेगा, शायद बन जाएगी बात। यहाँ अगर हो गया तो आपके लिए और अच्छा है। अब मैं बताता हूँ वो अच्छा कैसे है। 32 बन जाते हैं यहाँ पर नंबर। ठीक है, हमने माना कि उतना ही परफॉर्म करा आपने, ये बहुत टॉपर की बात कर रहे हैं। टॉपर अगर 40 में से 40 एक्सपेक्ट करता है तो उसके लिए 32 बहुत कम नंबर है। ठीक, अब उसको अंदर का स्टूडेंट जागता है कि नहीं कैसे भी करके अब तो मेरे को इम्प्रूव करना है, अब वो सब्जेक्टिवली परफॉर्म करता है, तो 32 से उसके क्या होते हैं कि 34 आ जाते हैं। मान लो नंबर बढ़ गया, मतलब एक नंबर उसके बढ़ जाए। देखो इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर टर्म टू में नंबर कम हो गए तो फिर बर्बाद भी हो जाओगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये मान लो इसके 34 हो गए, तो यहाँ 20% लिया गया था 32 का और यहाँ 80% लिया जाएगा 34 का। तो जरा देखो 0.8 × 34 8 4 32 8 3 24 और 3 27 27.2 और 6.4 27.2 और 4 27.6 और 6 कितना हो गया 33.6। एक नंबर आपने दो नंबर ज़्यादा लिए, दो नंबर ज़्यादा लेने से आपके यहाँ पर 1.6 मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, 1.6 मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं। और 1.6 का CBSE में कोई क्राइटेरिया नहीं होता, आधा नंबर या डेढ़ नंबर नहीं होता, पॉइंट में अगर आ रहा है ना तो वो राउंड ऑफ करके उसको आगे ही बढ़ाता है। ठीक है, तो 33.6 हो गया। अब आप इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करना, तो आपको जंप बहुत अच्छा मिल रहा है, समझ गए। अब इस पर आ जाओ 30-70 वाले पर, 30-70 पर भी बच्चे के 34 ही आते हैं, हमने कहा 0.7 मल्टीप्लाई बाई 34, तो 7 4 28 7 3 21 21 और 2 कितना हो गया 23, तो 23.8 हो गया। अब जरा इसको ऐड करो किसमें, 9.6 में, तो 23.8 और 0.6 करा तो कितना हो गया 24.4 33.4। ये समझ लेगा, ये नंबर भी 34 ही माने जाएंगे, ये नंबर भी 34 ही माने जाएंगे। तो जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, ये टोटल निकाल रहा हूँ मैं,
ये मैं टोटल निकाल रहा हूँ कि इसमें टर्म वन भी ऐड हो गया और टर्म टू भी, टोटल निकाला है यहाँ पर सिर्फ टर्म टू का ही है और टोटल निकाला तो 33.6 विच विल बी हाई 40 में से विच विल बी एग्रीगेटेड कितना बन जाएगा 34, ये भी 34 बन जाएगा। वो 33.4 को कभी भी सीबीएसई का नहीं रहता, ये 33.4 है तो वो उसको कम करके 33 कर दे, किसी भी यूनिवर्सिटी का भी ऐसा नहीं रहता, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, आप ये देख रहे हैं कि आपको जो परसेंटेज की जो जंप मिल रही है ना वो सिर्फ टर्म टू से ही मिल रही है, वो सिर्फ टर्म टू से मिल रही है। तो अगर आप ये सोचें कि आपके जितने नंबर आए हैं आपको उससे अगर थोड़े थोड़े भी अगर आप ज़्यादा ले आते हो ना, तो आपका ये जो टर्म वन है आपकी ये पैर पीछे नहीं खींचने वाला। बार बार ये लगता है ना कि मैंने इतनी ज़्यादा भी मेहनत मैं कर लूँगा तब भी मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सारा का सारा टर्म टू पर ही डिपेंड कर रहा है। अच्छा उल्टा भी है, उल्टा भी है कि अगर यहाँ 34 नहीं आए, यहाँ 32 की बजाय कम रह गए 30 रह गए, तो भैया फिर वो दो नंबर कम भी कर रहा है आपके। तो मतलब सब कुछ सब कुछ जो है वो टर्म टू पर डिपेंड कर रहा है। हाँ आप 40-60 पर आए, फिर आप 50-50 पर आ गए, तो 50-50 पर क्या होगा, ये जो 32 नंबर भी है, ये आपके 34 जो आए हैं, ये आपके 34 जो नंबर आए हैं, तब जब आप उसका टोटल करेंगे तो वो आपको 34 ना दिलाकर वो 33 पर ही लाकर रोक देगा। कैसे, यहाँ कितने बनेंगे 33.2, यहाँ 33.2 बने 40-60 पर, और जब 50-50 होगा तो 50-50 में उल्टा 33 ही रह जाएंगे। तो मेहनत करी दो नंबर ज़्यादा लाने के लिए, बढ़ा कितना एक नंबर, वो किस में हो रहा है, वो हो रहा है 50-50 वाले में, 50% और 50% वाले करके देखो। अगर सिर्फ इतना भी आ जाता है तो आप देखो 0.5 × 32 का आधा कितना 16, यहाँ पर भी 0.5 × 32 तो 32 का आधा कितना 16, ठीक है, तो वो 32 ही बन गया, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे कि अगर 34 बन जाते हैं तो आपका एग्रीगेट 33 रह जाएगा, और सीबीएसई इतना ज़्यादा निर्दयी, इतना ज़्यादा आपका शत्रु नहीं हो सकता कि वो 50-50 वाले क्राइटेरिया पर ला कर रखते हैं। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ कि इस 50% के लिए, इस 50% के लिए आपको 9 महीने का टाइम मिला था, और इस 50% के लिए आपको मिला 4 महीने का टाइम, ठीक है। मोरोवर ये वाला आपका सब्जेक्टिव है, ठीक है, तो वो हमेशा स्टूडेंट सेंट्रिक है ये बोर्ड, कभी भी ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ये स्टूडेंट सेंट्रिक ना होता तो ये कहता है कि मई में आई थी ना सेकेंड वेव, जून में दो पेपर या जुलाई में दो, ये आपके जुलाई में करवा देता पेपर, और यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स जुलाई में हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स जुलाई में हुए हैं। किसी भी जो BA, BSc, BCom, BTech कोई कर रहा हो, उनमें से किसी भी बच्चे का पेपर कैंसिल नहीं हुआ है। फिर कौन सा वही, हाँ वो तो अलग चीज़ होगी ना, वो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो मैं खुद देकर आया हूँ, मैंने भी गेट दिया था, दिल में एक सपना लेकर बैठा हूँ कि शायद कभी गेट क्वालिफाई हो जाएगा, आज तक तो हुआ नहीं, ठीक है। तो वो मैं भी देकर आया था मास्क वास्क लगाकर, ठीक, और ये सोचकर देकर आया था कि शायद इस बार स्टूडेंट्स कम आएंगे और शायद उसका एडवांटेज मिल जाए, कोई एडवांटेज नहीं मिला और कट ऑफ भयंकर ऊंची चली गई थी, ठीक है। अभी देकर आया, हाँ, गेट के लिए कोई एज लिमिटेशन नहीं होता, और गेट में एक गेट होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स, जो बच्चे भी इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचर्स भी हैं, तो वो भी गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और उसमें ये होता है कि कई फॉरेन यूनिवर्सिटीज से स्कॉलरशिप मिल जाती है और आप स्कॉलरशिप बेस पर ही निकल जाओगे बाहर। पढ़ाई करोगे क्या जी? मतलब मैं अब भी पढ़ रहा हूँ, मेरा काम पढ़ने और पढ़ाने का ही है, ठीक है ना। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि बाकी सारे एग्ज़ाम्स हुए थे, सीबीएसई ने एग्ज़ाम कैंसिल करे थे, तो इसलिए आप ये देख रहे हैं ना कि ये तो नहीं हो सकता 50-50, 40-60, वो भी बहुत क्लोज हो जाएगा 50-50 के, मुझे इसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जितना आप परफॉर्म कर रहे हैं आपकी परसेंटेज उतनी ही बढ़ रही है, समझ गए कि नहीं भैया? आप ये बताओ आपके 34 आए, 33.4 है, वो एग्रीगेट होकर आपका 34 ही बनेगा, ठीक है। आपके 34 आए तो 33.6 वो एग्रीगेट होकर 34 ही बन रहा है, ठीक है। 2080 नहीं होगा, मुझे 30-70 के चांसेस लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भाई टर्म टू में जो ला रहे हो वो ही पाओगे, समझ गए? अब टर्म टू में कोई फेल तो नहीं होने वाला ना, है ना। तो टर्म टू में जो आप ला रहे हो वो आपको मिलेगा बड़े आराम से। टर्म वन में जितना एग्जाम्स में गैप मिला था उससे 3-3 गुना ज़्यादा गैप मिल रहा है, टर्म वन में गैप नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर जो आप है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 6-6, 7-7 दिन की छुट्टी आम बात हो रही है, इतना आपको गैप मिल रहा है।
और 26 अप्रैल बोलकर चल रहे थे, 7 मई से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी भी आपके देखिए 10 दिन ये है, 10 दिन है अभी मार्च के, ठीक। उसके बाद अब ये कहते हैं कि 30 दिन वो भी बचे हैं, तो 40 दिन ये हो गए, ठीक। हम बस 40 दिन मान कर चल रहे हैं, हम ये कह ही नहीं रहे हैं वो जो 6 दिन है उस 6 दिन को पहले पेपर के लिए छोड़ दो। पहला पेपर किसका है? किसका? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का है तो हाँ बस अप्रैल तक का आप मान कर चलिए। तो आप ये देख लो कि आप में से किसी भी बच्चे को जिसके भी नंबर कम आ गए हैं उसको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। जिसके अच्छे आए हैं वो तो बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जिसके कम रह गए हैं ना नंबर, उम्मीद से कम रह गए हैं, वो ये देख ले कि भाई तुम्हारी जो ये वाली परफॉर्मेंस है, ये वाली परफॉर्मेंस तुम्हें पीछे खींच ही नहीं रही है, तुम वहीं के वहीं हो। मैंने क्या करा, मैंने 32 आया नंबर। अच्छा एक बात बताओ, किसी बच्चे के फिजिक्स में 35 में से 20 रह गए नंबर, भाई 20 से तो चलिए, तो 20 से तो ऊपर ही करोगे अचीव, 20 से तो ऊपर ही करोगे। वो मैं इस वजह से बता रहा हूँ भाई, ना तो यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ना यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। अब आप ये देख लीजिए कि जो टफ पोर्शन है रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स हमारा निपट गया, इसके बाद के चैप्टर्स आप देखना शुरू करेंगे, डुअल नेचर हो गया, फिर एटम्स है, फिर न्यूक्लियाई है, इसमें 8-9 टॉपिक्स हैं और वो उसमें हार्ड कोर रट्टा है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप ये समझो कि मैं एक एक चीज़ को यहाँ समझाऊँ, एक्सप्लेन करूँ, लिखवाऊँ। इनफैक्ट मेरा तो प्लान है कि मैं आपको नोट साथ में देकर और मैं वो पढ़ाना शुरू कर दूँगा, ठीक है ना। आज इसी तरीके से वही पैटर्न फॉलो करेंगे, क्योंकि वो चैप्टर्स ही ऐसे हैं कि उसमें अगर मैं लिखना शुरू करूँ या डिक्टेट कराना शुरू करूँ तो आधे यहाँ पर सो गए तुम, है ना, पढ़ाते पढ़ाते मैं भी सो जाऊँगा, वो टॉपिक्स ही ऐसे हैं। तो आप ये देखिएगा कि आपके पास फिजिक्स में स्कोर करने का खूब चांस है, ठीक है। मैथ्स में मैं मानता हूँ कि ज़रूरत है, डिफरेंशियल इक्वेशन मुश्किल नहीं है, इंटीग्रेशन मुश्किल है, 3D मुश्किल है, प्रोबेबिलिटी में भी थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकती है। दिक्कत पता है किस चीज़ में होगी, जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करेंगे ना तो तब ये लगेगा कि यार नहीं नहीं बेस थ्योरम लग रही है यहाँ पर, जब बेस थ्योरम बेस लग रही है तो वहाँ थोड़ा 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 कन्फ्यूजन होगा। वो कन्फ्यूजन जड़ से मिटा दूंगा उस कन्फ्यूजन को, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है, वो कन्फ्यूजन नहीं होगी। तरीका ऐसा बताऊंगा कि ढूंढोगे प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन को, खैर चलो छोड़ो ज़्यादा नहीं बोलते, कई बार उल्टा हो जाता है, ज़्यादा नहीं बोलते। पर मैं आपको मतलब ये बता रहा हूँ कि मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, कि उसमें दिक्कत ना हो। तो इसलिए ये फंडा सबको क्लियर है, चले आगे। इस फंडे को दिमाग में रखना भाई, सिर्फ और सिर्फ आपका टर्म टू का परफॉर्मेंस है। और ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये मैंने किस बच्चे की बात करी, जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो 40 में से 40 का कैलिबर रखता है, लेकिन उसके 32 रह गए, बहुत परेशान है, वो 34 भी लाता है, जबकि वो 34 नहीं लाएगा इस बार। इस बार वो जान लगा देगा, वो 36 या 37 पर जाकर अटकेगा। तो आप देख लेना, परसेंटेज उसी पर डिपेंड करेगी जितने आपके टर्म टू में आ रहे हैं। तो टर्म वन आपको पीछे नहीं खींचने वाला। वहीं आप अगर ये भी देख लेना कि अगर 35 में से 20 रह गए, तो मैंने ये 40 वाला एग्जाम्पल क्यों लिया, मैथ्स वाला एग्जाम्पल क्यों लिया, क्योंकि 40 में से इतने तो एकदम से समझ में आ जाता है कि अच्छा इतने हैं, तो परसेंटेज समझ में आ जाती है, इस वजह से बताया। 35 से कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ वो तो उसमें से होंगे, वो मैं काउंट ही नहीं कर रहा उसमें, वो तो मतलब स्कूल में आपका क्या परफॉर्मेंस वगैरह रहा है, टीचर पर क्या इंप्रेशन रहा है, एक घंटा पहले ऐश्वर्या से बात हुई थी, तो इसने बताया, इसकी मदर ने बताया, कहते सर मैं कैलकुलेट कर चुकी हूँ, मैं दोबारा करके देखा, जब तुमने बताया था तो मैं दोबारा करके बैठा, मैंने दोबारा करके देखा तो मेरे को लगा, मैंने कहा हाँ यार ये तो सही है, क्योंकि मैं खुद परेशान था इस चीज़ से, मैंने कहा यार ऐसा तो रिजल्ट खराब हो जाएगा बच्चों का, तो मैं इस चीज़ से खुद परेशान था। दिमाग में एकदम बिल्कुल क्लियर बैठ गया कि अब जो है हमारे हाथ में उसमें आप कर जाओ परफॉर्म, आपका टर्म वन कुछ नहीं बढ़ सकता, समझ रहे। तो जितना भी है, क्योंकि जहाँ जैसे जैसे ये रेशो, ये आपका 30% अगर सोचो 20-80 हो गया और मज़े आ जाएंगे, तो और मज़े आ जाएंगे, फिर ये आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। यहाँ तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत लग रहा है आपको, लेकिन नहीं ऐसा भी नहीं होगा। और भी हो सकता है, हम इसको 30-70 मान रहे हैं, 20-80 क्या पता वो 25-75 करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मैनुअली तो कैलकुलेट करने नहीं वाले, वो तो एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा, उसमें टर्म वन का डाला, टर्म टू का डाला, एग्रीगेट आया, परसेंटेज आया, चल भाई बस, वो तो मशीन चलेगी उनकी, ठीक है। तो इसलिए
घबराने का नहीं, जिसका जो रिजल्ट आ गया है उस रिजल्ट को वहीं पर रखो ठंडे बस्ते में, थोड़ा हाँ डांट पड़ेगी अभी ठीक है, उस डांट को दिल पर मत ले जाना, दिमाग में जरूर रखना यहाँ भी डांट पड़ी है तो मुझे सीरियसली पढ़ाई करनी है, दिल पर मत लेना, पता चला दिल पर ले लिया और दिल ही डूब गया कि नहीं पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, अब छोड़ो इस दुनिया में कुछ रखा ही नहीं ठीक है। हाँ जी ऑनलाइन वालों को समझ में आ गया? यस सर। चलिए जी वहाँ से तो ओरिजिनेट हुआ है, एकांश प्रियांशु हाँ अरे खुद मैंने बोला इसकी मदर को बोला मैंने, तो मैंने मैंने नहीं सोचा था इतना कैलकुलेशन नहीं करा था। अरे सर मैं फिजिक्स की वजह से मम्मी बहुत परेशान थी। नहीं वो तो मुझे अब समझ में आ गया, अरे मैं खुद परेशान था, मैं खुद परेशान जब तुम्हारा मैसेज आया था मैं ये सोच रहा था इस पर मैं क्या लिखूँ, हाँ लिखूँ ना लिखूँ क्या लिखूँ, मुझे ये नहीं समझ में आता रिप्लाई क्या करना है, तो इसलिए चलिए जी आगे चलते हैं। हमने जो मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं वो कौन से कहाँ तक करे थे, एग्जांपल 27 28 किया था, 28 शायद नहीं करा, चलो देखते हैं तुम्हारा कौन सा था। बड़ी पहले एग्जांपल कर दो, एग्जांपल 27 करा था या 28 करा था लास्ट में एग्जांपल चला था बता दो भाई, किसी ने करा होगा। सर मैं आपको पिछले दो हफ्ते से सर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं सर, आपको बता दो मुझे समझ नहीं आया, बता दो कौन सा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पेपर तो लाओ फिर तो बताओ। अरे किसी ने क्वेश्चन पेपर ढूंढ कर लाना पड़ेगा सर, वो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का दोनों दे रहे ना ना पूछ जाओ मैं सर। श्रुति का कोई डाउट है? किसका? श्रुति का। अच्छा भेजो भेजो, इतना भी कुछ पूछा था मुझे डाउट नहीं है, 27 करा था लास्ट में। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, एक मिनट अभी वो करवा देते हैं। सेक्शन सी का वैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है। नहीं सर वो मार्क्स से देखता ना, मतलब करते हैं कॉल पे टाइम नहीं होता मार्क्स से, ये यानी ये मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। नहीं नहीं मैं तो बताया परेशानी हो रही, बड़े मतलब चिंता हो रही है दोस्त के नंबर। चलिए जी एक क्वेश्चन देखिएगा, ये वेक्टर अलग है इससे, वेक्टर अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है लेकिन एनसीईआरटी से अलग है, नोट करिए ऐसा क्वेश्चन है, पेन भी नहीं चल रहा। B vector is equal to j cap minus k cap, find a unit vector c vector
अच्छा फाइंड द यूनिट वेक्टर सी वेक्टर फाइंड द यूनिट वेक्टर सी वेक्टर सच दैट such that a vector cross c vector such that a vector cross c vector is equal to b vector and a vector dot c vector is equal to 3. अब मेरे को ये यूनिट वेक्टर निकालना है सी वेक्टर, ठीक है। देखिए जी क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, क्वेश्चन को ज़रा ध्यान देना है आपको। ए वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो एक काम करिएगा सबसे पहले तो ए वेक्टर को लेते हैं, तो ए वेक्टर क्या हो गया वन आई कैप प्लस वन जे कैप प्लस वन के कैप, ये हो गया ए वेक्टर। फिर बी वेक्टर लेते हैं, बी वेक्टर क्या है देखिए आई वाला तो है नहीं उसमें, तो जीरो आई कैप, ठीक है। जे वाला क्या हो जाएगा वन जे कैप, और के वाला क्या हो जाएगा माइनस का वन के कैप। मुझे तो सी वेक्टर बताना है, तो लेट सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप, ठीक है। अच्छा गिवन क्या है, गिवन C वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू वन, समझ गए, क्योंकि उन्होंने क्या बोला फाइंड द यूनिट वेक्टर C वेक्टर, तो C वेक्टर का जो मॉड है वो वन होगा, मतलब C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट जो है वो आपका वन आएगा, पहली चीज। अब दो कंडीशन दे रखी हैं, एक इन्होंने क्या दिया A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर, गिवन फर्स्ट कंडीशन given first condition a vector cross c vector is equal to b vector। अब a vector क्या है, a vector cross c vector क्या है, इसका आप करें ये determinant solve करते हैं, तो i cap j cap और k cap। अब a vector क्या है one 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 one, c vector में c one c two c three, c one C2, C3 is equal to B vector, B vector क्या है बेटा, अभी इसको B vector ही लिखो, फिर B vector की value भी लिख लेंगे यहाँ से, ठीक है। अब इसको expand करेंगे तो ये हो गया plus, ये हो गया minus, ये हो गया plus, तो plus का i cap है, तो यहाँ लिखिएगा i cap, फिर ये column छोड़ दो, ये row छोड़ दो, तो C3 into 1, C2 into 1, तो C3 minus C2, C3 माइनस C2 माइनस J कैप, कॉलम छोड़ो रो छोड़ो, तो 1 इंटू C3 1 इंटू C1, तो C3 माइनस C1, प्लस K कैप, कॉलम छोड़िए रो छोड़िए 1 इंटू C2 1 इंटू C1, तो C2 माइनस C1 इज इक्वल टू, अब आ जाते हैं बी वेक्टर पर, तो जो बी वेक्टर है वह है जीरो आई कैप वन जे कैप माइनस वन के कैप, जीरो आई कैप प्लस वन जे कैप माइनस वन के कैप, ये हो गया। तो मुझे क्या करना है कि मैं अगर इसको सी थ्री माइनस सी टू को इससे इक्वेट कर देता हूं तो क्या मिलेगा, सी थ्री माइनस सी टू इज इक्वल टू जीरो, C3 minus C2 is equal to 0, तो यहाँ से क्या हो गया C3 is equal to C2, एक तो ये हो गया C3 is equal to C2, दूसरा C3 minus C1 is equal to plus का 1 और ये minus का है, minus का C3 minus C1 is equal to 1, it implies that C1 is equal to 1 plus C3,
ये हो गया ये सेम जो कंडीशन मेरी भी आ गई हां ये सेम जो कंडीशन अरे अभी और भी है इनको तो सही C2 minus C1 is equal to minus 1. C2 minus C1 is equal to minus 1. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? C2 is equal to C1 minus 1. ठीक है? तो अब आप ये देखो कि वैसे अगर देखा जाए तो C2 minus C1 is equal to C3 minus C1 हो जाएगा इससे वो कैसे भी कर लो आप क्योंकि C3 is equal to C2 रहेगा ठीक है मैं इसमें क्या कर सकता हूँ आप ये देखिएगा कि ये रिलेशन है C3 और C1 के बीच में ठीक है और ये रिलेशन है C2 और C1 के बीच में समझ रहे हैं तो मैं क्या करूँगा मैं इसको यूज कर लूँगा यहाँ पर मैंने ये कहा कि ये वाला रिलेशन इसको मैं ऐसे बोल देता हूँ C1 माइनस सी थ्री सी वन माइनस सी थ्री इज इक्वल टू 1 मैंने ये बोल दिया ठीक है और ऐसे इसको क्या बोलेंगे C1 माइनस C2 इज इक्वल टू प्लस 1 समझ गए ठीक है भाई C1 माइनस C3 इज इक्वल टू प्लस 1 पर C1 माइनस C2 और ये माइनस 1 इधर आ जाएगा तो C1 माइनस C3 इज इक्वल टू प्लस 1 ये रिलेशन C1 C3 और C1 C2 में इस C2 को C3 बोल सकते हैं क्या वो तो बात एक ही हो जाएगी सर उससे कोई फायदा नहीं होगा हाँ ए डॉट सी पहले और उस पर भी आपने सोचा था शायद इससे ही कुछ हो जाए नहीं इससे नहीं हो रहा है तो एक काम करिए ये तीन कंडीशन ऐसे लिख कर छोड़ दो और अब एक काम करते हैं कि अब हम ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर पर आ जाते हैं गिवन सेकंड कंडीशन सेकेंड कंडीशन देखिएगा इसमें है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 3 अब ए वेक्टर देखो क्या है 1 1 1 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप डॉट C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप इज इक्वल टू 3 बताइए जी यहाँ तक तो समझ गए ठीक है अब आगे देखिएगा आई वाला आई वाले से मल्टीप्लाई जे वाला से और के वाले से डॉट प्रोडक्ट है तो ये वेक्टर नहीं आएगा ये आपका स्केलर आएगा तो ये बन गया C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू 3 C2 और C3 इक्वल है हो गया काम C1 प्लस C2 प्लस C2 इज इक्वल टू 3 ये क्या हो गया C1 प्लस ट्वाइस ऑफ C2 इज इक्वल टू 3 इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और ऊपर देखो C1 माइनस C2 इज इक्वल टू प्लस 1 है यहाँ से उठाइएगा इधर से C1 माइनस C2 इज इक्वल टू प्लस का 1 अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस क्योंकि नीचे वाला प्लस और ये माइनस C1 से सम कर दिया 2C2 प्लस 1C2 कितना हो गया 3C2 और 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 तो C2 की वैल्यू आ गई 2/3 C2 की वैल्यू आ गई 2/3 तो फिर C3 की वैल्यू भी यही है ठीक है और फिर C1 निकाल लो यहाँ से C1 इज इक्वल टू 1 प्लस C3 ठीक है तो ये क्या हो गया 1 प्लस 2/3 तो ये हो जाएगा 5/3 अब आप ये देख लो कि क्या ये यूनिट वेक्टर है नहीं। अब ये देख लो कि ये C1 C2 C3 क्या ये यूनिट वेक्टर है तो ये हमारा यूनिट वेक्टर तो नहीं आ रहा है तो उन्होंने बोला कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर सी वेक्टर सच दैट दिस ठीक है अरे सर ने कटवाया था यूनिट वेक्टर उन्होंने बाद में बात की बाद में बना के लिख सकते हैं हां सर ये कटवा दिया था यूनिट वेक्टर वर्ड कटवा दिया उन्होंने यहीं पर आंसर करवा दिया अच्छा अच्छा तो यूनिट काट देना उसको फाइंड अ वेक्टर वैसे मुझे वो कंडीशन की जरूरत नहीं हां वो सर ने कहा था बाद में बना सकते हैं ठीक है ठीक है
बस फिर तो हो गया, फिर तो आपका सी वेक्टर आ गया। एग्जाम में नहीं हुआ, अभी हो गया। अच्छा, से एग्जाम में भी ये याद ही रहा कि स्केलर प्रोडक्ट में मतलब ऐसे ए से बी से लिए मेरे को याद नहीं। कोई बात नहीं, इसीलिए तो पेपर होते हैं, पेपर होते ही इस वजह से है कि हमको पता तो चले कहाँ कहाँ गलत गलती हम कर सकते हैं। ठीक है फिर, चलिए जी अब आते हैं हमारा कौन सा मिसलेनियस का कौन सा डाउट था? एक्सरसाइज का था। थर्ड, हाँ जी सर, क्वेश्चन फोर भी करा दीजिए आप मिसलेनियस का। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फोर, एक बार क्वेश्चन नंबर थ्री करवा लो पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर पर आते हैं। तो हम ना ये मानकर चलते हैं कि जब ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ऐसा कोई दे रखा हो तो हम ये मानते हैं कि इनिशियली जो भी ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन पर है, हम ये मानकर चलते हैं। तो हमने क्या करा कि ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो हमने माना कि ओरिजिनली वो गर्ल यहाँ पर है ओरिजिन पर। अब उन्होंने बोला अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे ले लीजिए। उसके बाद वो बोल रहे हैं 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तो वो गर्ल यहाँ से इधर चली यहाँ पहुँच गई, ठीक है, 4 किलोमीटर उधर। फिर उन्होंने बोला देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसका मतलब क्या है, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ का ईस्ट इधर है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या है कि ये डायरेक्शन है। यहां से 30 डिग्री है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ का ईस्ट तो इधर ही होगा, वो बोलते हैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ तो इस तरफ आते, ठीक, तो बोलते हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट, वो बोलते हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो इसका मतलब 30 डिग्री यहाँ बनता, समझ गए, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या है कि नॉर्थ से 30 डिग्री इस तरफ, ये क्लियर, समझ गए। अब आप ये देखिएगा कि ना इसका मतलब क्या हुआ, हाँ ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोला था मतलब ये जो ई वाली डायरेक्शन है इससे 30 डिग्री एंगल बना रही है जो भी ये चल रही है नीचे से, नॉर्थ से आपको नॉर्थ का ईस्ट है, वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, उस पर भी आ रहा हूँ, पहले ये समझ लो, ये समझ में आ गया 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब, समझ में आ गया नहीं है, मतलब ठीक है अभी के लिए, ठीक है चलो आगे चलते हैं। तो ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो गया, ये 60 हो गया, ठीक। चलिए तो अब क्या करना है कि वो ऐसे चल रही है, इस डायरेक्शन में चल रही है, उन्होंने डायरेक्शन बता दिया, तो डायरेक्शन बताया है तो डायरेक्शन आप ये समझ लीजिए इसके पैरेलल डायरेक्शन यही है, तो ये क्या हो जाएगा एंगल 60 डिग्री,
ये 60 डिग्री हो गया, वो बोल रहे हैं 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स, ठीक है, तो कितना चलती है 3 किलोमीटर ऐसे चलेगी, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिटरमिन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। तो भाई 3 किलोमीटर वो यहाँ से चली तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मान लीजिए 3 किलोमीटर के बाद वो यहाँ पर स्टॉप कर जाती है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐसे यहाँ ड्रॉप करूँगा, इतना समझ में आ गया, ठीक है। इससे मुझे क्या पता चलेगा, वो बोल रहा है कि उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से बताएंगे भाई, ओरिजिन से वो कहाँ तक पहुँची, ठीक है। मेरे को ये पता चल जाए कि ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए तो मैं उसका डिस्प्लेसमेंट बता दूंगा, ठीक है, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे पता चलेंगे वो देखिएगा, हम ये कहेंगे कि ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, ऐसे नहीं हो जाएगा एडिशन वाले से, एडिशन वाले से अगर ज्वाइन कर दें इससे, ऐसे ही गई, एक वेक्टर उधर जा रहा है एक वेक्टर उधर जा रहा है, ये तो सही है, लेकिन ये वाला जो वेक्टर है ये 60 डिग्री दे रखा है ना, तो मैं इसको निकालूंगा किस तरह से, इसके कोऑर्डिनेट्स तो सही होंगे ना, 4 किलोमीटर ऐसे, तो 4 किलोमीटर ऐसे मतलब मैग्नीट्यूड दे रखा है, 3 किलोमीटर ऐसे मतलब मैग्नीट्यूड दे रखा है, ठीक है। और आप ये देखिएगा कि जैसे यहाँ पर मैंने इसको ओरिजिन से ज्वाइन करा तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या है, 0,0, और ये वाला जो पॉइंट है इसको पॉइंट पी बोल दीजिए, इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने मान लिया एक्स को वाई, तो हम क्या करेंगे, x माइनस जीरो आई कैप, y माइनस जीरो जे कैप, ये तो हमारा वेक्टर हो गया, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बस, और उसका अंडर रूट कर दो, तो वो मैग्नीट्यूड आ गया, तो यानी कि ओरिजिन से यहाँ तक का उसका लेंथ आ गई, लेंथ आ गई मतलब डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये करना होता है। हाँ, करेंगे कैसे वो देखना है जरा, मैं इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना चाह रहा था, तो कोऑर्डिनेट्स कैसे पता चलेंगे, ये 90 डिग्री है, ये वाली हाइट पता चल जाए, कैसे पता चलेगी भाई, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो साइन 60 निकालो, साइन 60 क्या हो जाएगा, इसको पी बोल दो, इसको क्यू बोल दो, और इसको बोल दो आर, तो पी क्यू अपॉन पी आर, साइन 60 होता है रूट 3 अपॉन 2, और पी क्यू मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ अपॉन पी आर कितना 3, तो पी क्यू इज इक्वल टू 3√3/2 किलोमीटर, ये वाली लेंथ आ गई मतलब वाई आ गया, ये समझ रहे हैं, ये वाली लेंथ आ गई तो क्या आ गया, वाई आ गया, समझ गया कि नहीं। हाँ, उसके बाद देखिए अब कॉस 60 निकाल लो, cos 60 से ये वाली लेंथ आ जाएगी, मुझे चाहिए ये वाली लेंथ, आता हूँ मैं उसको cos 60 करेंगे तो बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि आर क्यू अपॉन पी आर, हाँ जी cos 60 कितना होता है 1/2, आर क्यू अपॉन पी आर कितना है 3, तो 2RQ इज इक्वल टू 3, तो आर क्यू कितना हो गया 1.5, आर क्यू 1.5 हो गया, मुझे तो ओ क्यू चाहिए, देयरफॉर ओ क्यू कितना है, ये टोटल लेंथ 4 किलोमीटर है, तो 4 - 1.5 कितना हो गया 2.5 किलोमीटर। तो भाई पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए मेरे पास, ये ओ क्यू जो है ये क्या है बेटा, ये एक्स है, यहाँ से यहाँ तक एक्स कोऑर्डिनेट, और ये पी क्यू क्या है, ये वाई है, तो ये क्या हो गया, हम ओ क्यू को 2.5 ना लिखकर माइनस का 2.5 लिखेंगे, तो ये क्या हो गया माइनस का 2.5
और फिर जो हमारा ये पी क्यू है इसको कितना लिखेंगे, 3√3/2, तो इसको क्या लिखेंगे, 1.5√3, 1.5√3, इतना समझ में आ गया, सही है हाँ। तो अब आप ये देखिएगा कि ये मेरे पास ओपी वेक्टर आ गया, ओपी वेक्टर कैसे आएगा, एक्स माइनस जीरो आई कैप, वाई माइनस जीरो जे कैप, ओरिजिन है तो आप जो एक्स की वैल्यू आई है उसी के आगे आई कैप लगाओ, जो वाई की वैल्यू आई है उसी के आगे जे कैप लगाओ। 2.5 कहाँ बेटा, कौन सा ये क्या हुआ बताओ भाई, ये वाला मेरा आर क्यू 1.5 था, लेकिन ये टोटल लेंथ 4 थी, 4 में से 1.5 तो सबट्रैक्ट करेंगे तो 2.5 आ गया, क्योंकि मुझे लेना है यहाँ से ओरिजिन से मेजर करूँगा ना एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये यहाँ तक हो गया 2.5, लेकिन नेगेटिव लेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड में है ठीक। तो जब ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू हो गया माइनस का 2.5 आई कैप और प्लस का 1.5√3 जे कैप, ये समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है ओ पी, आपको इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करिए, माइनस 2.5 का स्क्वायर करो और प्लस 1.5√3 का स्क्वायर करो, हाँ जी 2.5 का स्क्वायर 6.25, 1.5 का स्क्वायर 2.25, रूट थ्री का स्क्वायर 3, तो 2.25 × 3 6.25 प्लस कितना आ रहा है 3, 5 15 शायद 3, 2 6 और 1 7 6.7 ठीक है, और ये कितना हो जाएगा √13। अब जरा आंसर चेक करो, तो वेक्टर में ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, चेक तो करो ठीक है ना, तो ये वेक्टर दे रखा है, हालांकि देना चाहिए था इनको वेक्टर ही, नहीं वेक्टर ही देना चाहिए, वेक्टर ही देना चाहिए था, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्टेंस नहीं पूछा, वेक्टर क्वांटिटी तो यही देना चाहिए, ये हमने एक्स्ट्रा निकाल दिया, इसकी जरूरत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट बोला है ना, तो आई कैप और जे कैप के टर्म्स में निकालो ठीक है। चलिए जी फिर ठीक है, फोर्थ वाला नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ, और हाँ रात को 9:15 ऑनलाइन क्लास है फिजिक्स की ठीक है, थैंक यू सर, ओके। सर चिकन साइड हो जाएगी, आप प्रियांशु बताइए सर आप।